अलीगढ़ में बाजार में सब्जी लेने गई एक महिला के साथ दबंगों ने छेड़छाड़ कर दी। पति ने विरोध किया तो दबंगों ने पति के साथ भी मारपीट की। ये दोनों पति पत्नी जब थाने में मुकदमा लिखवाने गए तो पुलिस ने इनकी FIR दर्ज नहीं की। थक हार कर पीड़ित SSP की शरण में पहुंचे। मामला दहलीगढ़ थाना क्षेत्र के जलालपुर का है। दरअसल कल शाम एक महिला सब्जी खरीदने के लिए जलालपुर गई थी। इसी दौरान तीन लोगों ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। पति ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने पति के साथ जमकर मारपीट भी की है। फरियाद लेकर पति पत्नी थाना अध्यक्ष के पास गए, बावजूद इसके मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसी फरियाद को लेकर महिला आज SSP मुनिराज जी के पास पहुंची थी। महिला ने बताया है कि वह सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए पति का इंतजार कर रही थी, क्योंकि महिला के पास पैसे नहीं थे। इसी दौरान महिला को अकेला देखकर तीन दबंग छेड़छाड़ करते रहे। SSP ने थाना अध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। देखना होगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस कब तक कर पाएगी। यही बात है, सब्जी लेके तैयार में खड़े हम, तो जे आए तो हम तो बदतमीजी को कर रहा हूँ धर्मवीर, तो फिर इन्होंने कई सब सुनी तो इन्हें फिर ईंट मार दी। तो आप किसका इंतजार कर रही थे? क्या इन्हीं की सब्जी लेने के लिए पैसे रखने का इंतजाम कर रहे, आ रहे हूँ काम पर पैसा लेंगे। तो इन्हें मने करी कि काय को बतला रहा हो, ज़्यादा बदतमीजी कर रहा हो, तो इनकी ईंट मार दी। तो आपसे वो छेड़खानी कर रहा था? हाँ बदतमीजी, हंसी मजाक पहले करो। क्या कह रहा था? ऐसे गाली गलौज मजाक में दे लो। ये मैं सब काम करने गया था, मेरे बच्चे गए थे सब्जी लेने के लिए शाम जलालपुर की तरफ, है ना, तो इन पर पैसे नहीं थे, ये इंतजार कर रहे थे मेरा पैसे नहीं, पैसे का तब मैं बाद में आया हूँ, तब इन्हें पैसे दिए थे, देने दिए थे। धर्मवीर ने इससे हंसी मजाक करी, गंदगी करने लगा, तभी इसने मैंने मना किया था कि इससे हंसी मजाक कर रहा है, इतने ही मैं मार के मेरे और भग गया, इसका बाप ट्री लेके भाग गया। तो मैं पत्नी को बचाने के चक्कर में पिटाई कर, हाँ मैंने मना करने के लिए मना करी, तभी इन्होंने ईंट मार दी मेरे जी। इसकी शिकायत लेकर कहाँ पर आए हो? मैं आया था SSP ऑफिस। पीड़ित महिला और उसके पति ने SSP से गुहार लगाई है, जबकि SSP ने भी कार्यवाही के निर्देश दे दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक इन दोषियों को गिरफ्तार कर सकेगी और उन्हें सजा देगी। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट।